आज दुनिया मना रही है नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक भव्य कार्यक्रमों का आयोजन। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की दी बधाई, कहा ग्लोबल मूवमेंट बन गया है योग। आज शाम 5:30 बजे संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। योग सत्र की करेंगे अगुवाई, वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई है थीम। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया योग, प्रदेशवासियों को दी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाइयां। योग दिवस पर बोले सीएम योगी, कहा विश्व कल्याण का माध्यम बन सकता है योग। योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में किया योग, कहा पूरे देश को स्वस्थ बनाना है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी योग शिविर में हुए शामिल, विश्व योग दिवस पर बाबा रामदेव के साथ किए योगासन। योग दिवस पर पतंजलि योगपीठ में लगे शिविर में हजारों लोग हुए शामिल, बाबा रामदेव के साथ किया योग। बाबा रामदेव के कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, पतंजलि योगपीठ में सबने मिलकर योग किया। योग दिवस के मौके पर बाबा रामदेव के शिविर में बच्चों ने भी दिखाई योग के गुर, बाल योगाभ्यर्थियों ने दिखाई हैरतअंगेज योग मुद्राएं। योग दिवस के मौके पर भारतीय तटरक्षक अधिकारियों ने किया योग, नोएडा स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नोएडा में किया योग, सैकड़ों लोगों के साथ योगासन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नौसेना कर्मियों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया योग, स्वदेश निर्मित विमान वाहक का पोता आईएनएस विक्रांत पर किया योग। भारत के स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत में भी योग दिवस का कार्यक्रम, नौसेना के अधिकारियों ने योगाभ्यास किया। हिमाचल के हमीरपुर में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, लोगों के साथ किया योगासन। योग दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुग्राम में किया योग, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी रहे मौजूद। दिल्ली के सोनिया विहार में यमुना किनारे लोगों ने किया योग, सांसद मनोज तिवारी ने भी लोगों के साथ योग किया। डॉक्टर्स के साथ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया योग, साइकिल चलाकर एम्स पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री। दिल्ली एम्स में भी योग दिवस का इवेंट, एम्स के डॉक्टर्स ने मिलकर योग किया। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने दिल्ली कैंट में मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जवानों के साथ किया योग। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के बालासोर में मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, लोगों के साथ किया योग। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मेगा इवेंट, हजारों लोगों ने मिलकर योग किया। मध्य प्रदेश में भी योग दिवस को लेकर उत्साह, योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी जबलपुर के योग दिवस कार्यक्रम में पहुंचे, हजारों लोगों के बीच उपराष्ट्रपति ने योग किया। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर सीएम एकनाथ शिंदे ने किया योग, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी रहे मौजूद। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी योग किया, धुबरी में योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम हिमंता। जम्मू में बीएसएफ का योग दिवस का कार्यक्रम, योग करते नजर आए बीएसएफ के जवान। कुशीनगर के बुद्ध मंदिर परिसर में योग दिवस का हुआ आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। चंदौली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे, लोगों के साथ किया योगासन। बागपत में भी उत्साह के साथ मनाया गया योग दिवस, बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह, राज्य मंत्री कृष्णपाल मलिक और बागपत के डीएम ने किया योग। लखनऊ में पुलिसकर्मियों ने किया योग, पुलिस कमिश्नर एसपी शिरोडकर ने परेड ग्राउंड में किया योग। देवरिया के स्टेडियम परिसर में कैबिनेट मंत्री सूर्यप्रताप शाही, राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी ने किया योग, सैकड़ों लोगों ने किया योग। अमेठी में योग दिवस का हुआ कार्यक्रम, सबने योग दिवस पर लिया संकल्प, करेंगे योग रहेंगे निरोग।
बुलंदशहर के शिल्पा गार्डन में योग शिविर का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। पत्रा के गणेश्वरा स्टेडियम में योग शिविर का आयोजन, प्रशासनिक अधिकारियों ने किया योग। आगरा में भी लोगों ने किया योग, हर घर आंगन योग का थीम पर किया गया आयोजन। चित्रकूट में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सांसद डीएम ने किया योग। सीतापुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नैमिषारण्य में पहुंचे डीएम अनुज सिंह, डीएम एसपी ने लोगों के साथ किया योग। अमरोहा नगर के मिनी स्टेडियम में डीएम राजेश त्यागी के साथ सैकड़ों लोगों के साथ किया योग, डीएम ने कहा योग से सभी बीमारियां होती हैं दूर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अलीगढ़ में हजारों लोगों ने किया योग, सभी अधिकारी रहे मौजूद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में योग दिवस पर उत्साह, गंगोत्री मंदिर के प्रांगण पर लोगों ने किया योग। हल्द्वानी में भी लोगों ने किया योग, योग दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार की प्रदर्शनी का भी हुआ आयोजन। हिमाचल के बिलासपुर में योग दिवस पर छात्रों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, योग आसन कर स्वस्थ रहने की लोगों से अपील। रामेश्वरम में अनोखे तरीके से किया गया योग, पीने की पानी की सतह पर तैरते हुए लोगों ने किया योग। योग दिवस को लेकर नेपाल में भी दिखा उत्साह, लुम्बिनी स्क्वायर में सैकड़ों लोगों ने किया योग। ओमान में भारतीय दूतावास से योग दिवस पर जारी किया वीडियो, ओमान के इलाकों में योग करते दिखे लोग, का सोलफुल योगा सेरेन ओमान दिया नाम। लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर में एक साथ सैकड़ों लोगों ने किया योग, भारतीय हाई कमीशन और लंदन के मेयर ने मिलकर कराया था आयोजन। जर्मनी में भी योग दिवस को लेकर दिखा उत्साह, म्यूनिख में सैकड़ों लोगों ने मिलकर किया योग, भारत के महावाणिज्यक दूतावास ने किया था आयोजन। योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का संदेश, कहा हम सब एकता की भावना को अपनाएं, अपने लिए एक बेहतर दुनिया बनाने का संकल्प लें। फिल्म केरला स्टोरी की एक्ट्रेस अदा शर्मा ने भी किया योग, पेड़ पर रस्सी से लटकते हुए योग किया।